डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो का टॉपिक है यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश पोइट्री। जो नेक्स्ट पोइम है, पोइम का नाम क्या है? द पासिंग ऑफ आर्थर। पासिंग मींस विदाई, आर्थर ये नाम है, तो आर्थर की विदाई, ये इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। इसे कंपोज किया था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। ये एक विक्टोरियन पोइट थे, विक्टोरियन पोइट, और उनका जन्म हुआ था 1809 में और मृत्यु हुई थी 1892 में, और 1850 में इनके लिए पोइट लॉरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। आगे अगर बात की जाए इसकी थीम क्या है या इसकी स्टोरी क्या है, जो आर्थर थे, किंग आर्थर, इन्होंने एक प्रथा का प्रारंभ किया था, नाइटहुड ऑफ द राउंड टेबल, इस प्रथा को उन्होंने शुरू किया था। तो इसमें था क्या, इनका काम ये था कि जो अमीर लोग हैं उनके चुंगल से गरीब लोगों की रक्षा करना, जो उन्हें वो उनका शोषण करते थे उनकी रक्षा करना। तो उन्होंने इसी प्रथा का निर्माण किया था और उसकी जिम्मेदारी सौंपी थी उनका जो सैनिक था सर बेदीवर, उनका सैनिक था ये सर बेदीवर, उसके लिए जिम्मेदारी दी थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, समय गुजरने के साथ साथ जैसे कि कोई भी प्रथा हो वो लगातार लंबे समय तक नहीं चल सकती, तो एक समय ऐसा भी आया जिस प्रथा का अंत होने वाला था। तो अब जब इसका अंत बिल्कुल कगार पे था, तो जो किंग आर्थर हैं वो अपनी तीन रानियों के साथ इविलिन द्वीप जा रहे थे। तो वो उनका सैनिक जो था अपने सैनिक को इस पोएम डेडिकेट करते हैं या संबोधित करते हैं, तो उन्हीं के बारे में है ये कि अपने सैनिक को वो क्या बताते हैं। तो वो कहते हैं, जैसा कि पहली स्टेंजा है, उनसे ये कहना चाहते हैं कि संसार एक ऐसा, ये संसार जो है, संसार में कोई वस्तु लंबे समय तक एक जैसी नहीं रह सकती। जो चेंज है वो प्रकृति का नियम है, प्रत्येक वस्तु बदलती है, कोई भी वस्तु एक सी नहीं रहती है, उसके स्थान पर नई वस्तु आ जाती है। और आगे चल के उन्होंने थोड़ा आदमी और जो भेड़ बकरी वगैरह हैं उनकी थोड़ी कंपेयर की है, और ये कहा है जो लोग, यानी वे लोग जिन्हें ईश्वर का ज्ञान है और ईश्वर का ज्ञान रखते हुए भी वे ईश्वर की प्रार्थना के लिए हाथ नहीं जोड़ते हैं, तो ऐसे लोग भेड़ बकरियों से अच्छे नहीं हो सकते। ये कहानी है थोड़ी। अब शुरू करते हैं आज की पोएम। लिखा है एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज, द ओल्ड ऑर्डर चेंजेस यील्डिंग प्रेस टू न्यू, एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। तो क्या अर्थ हो जाएगा इसका, एंड और स्लोली धीरे धीरे, आंसर्ड उत्तर दिया आर्थर ने, फ्रॉम द बार्ज मीन चमकीली नाव, लेखक जो कि चमकीली नाव पर पड़ा हुआ था उसने उत्तर दिया या धीरे धीरे उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, द ओल्ड ऑर्डर चेंजेस, जो पुराने नियम हैं या पुरानी प्रथाएं हैं वे बदल चुकी हैं या बदल जाती हैं, यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और उनके स्थान पर नए नियम आ गए हैं। मतलब उनका कहना यह है जो पुरानी प्रथाएँ हैं वो बदल चुकी हैं और उनके स्थान पर नई प्रथाएँ आ गई हैं। एंड और गॉड, ईश्वर फुलफिल्स, भरता है, पूरा करता है, हिमसेल्फ स्विम इन मैनी वेज, और जो ये पुरानी प्रथाएं समाप्त होती हैं उनके स्थान पर नई प्रथाएं आती हैं, इन सारे परिवर्तनों को स्वयं ईश्वर भरता है या ईश्वर स्वयं पूरा करता है। ऐसा क्यों करता है वो, लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो, वन गुड कस्टम एक अच्छी संस्कृति, शुड करप्ट मीन्स करप्ट होता है भंग करना, ऐसा ना हो भंग कर दे डबल संसार के लिए, कहीं ऐसा ना हो जो एक पुरानी संस्कृति है वो आज के संसार को भंग कर दे, क्योंकि कोई प्रथा है जब वो शुरू होती है तो अच्छी होती है, आगे चल के समय के साथ साथ वो हानिकारक भी हो सकती है। इसलिए ईश्वर ही ये सारे परिवर्तनों को पूरा करता है। क्यों ईश्वर इसलिए ऐसा करता है कि ऐसा ना हो जो अच्छी संस्कृति है जो पुराने समय से चली आ रही है आज के समय के लिए अच्छी ना हो और वो आज के संसार को भंग कर दे। तो पूरा अर्थ क्या हो जाएगा, और धीरे धीरे चमकीली नाव से आर्थर उत्तर देता है कि जो पुराने नियम या प्रथाएं हैं वे बदल चुकी हैं, उनके स्थान पर नई प्रथाएं आ गई हैं, और इन सारे परिवर्तनों को ईश्वर स्वयं करता है, और यानी ईश्वर कई प्रकार से इन सारे परिवर्तनों को करता है। और क्यों करता है, कहीं ऐसा ना हो एक अच्छी संस्कृति जो पुराने समय से चली आ रही हो आज के समय के लिए सूटेबल ना हो और आज के संसार को भंग कर दे। नेक्स्ट स्टेंजा है, कम्फर्ट आराम दीजिए दाई सेल्फ स्वयं, स्वयं को सांत्वना दीजिए, तसल्ली दीजिए, वो सर बेदीवर से कहता है, सैनिक से, किंग आर्थर, कि
कम्फर्ट दाई सेल्फ, अपने आप को आराम दीजिए। व्हाट कम्फर्ट, क्या आराम इज मीन मी, मैं या मुझे कौन सा आराम है, या मैं तुम्हें तसल्ली क्या दूँ, तुम अपने आप को स्वयं तसल्ली दो, मैं तुम्हें तसल्ली नहीं दे सकता। आई हैव, मैंने लिव्ड माई लाइफ, अपने जीवन को जी लिया है, मैंने अपने जीवन को जी लिया है। एंड दैट, और वह, विच जो, आई हैव डन, मैंने किया है, और वह जो कार्य मैंने किया है, में चाहिए होगा ही, ये ही है गॉड के लिए, कैपिटल से है, विद इन हिमसेल्फ, स्वयं मेक बनाएगा प्योर पवित्र। और मैंने अपना जीवन जी लिया है, अपने जीवन में मैंने जो कार्य किया है, उस कार्य के लिए गॉड मुझे पवित्र बना देगा। बट लेकिन दाओ तुम, लेकिन तुम, इफ यदि दाओ तुम, सुडेस्ट नेवर, कभी नहीं, सी देखोगे माई, मेरा फेस चेहरा अगन दोबारा, यदि तुम मेरा दो चेहरा दोबारा कभी ना देख पाओ, मतलब यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो। इसलिए किंग आर्थर कहता है, यदि तुम मेरा चेहरा दोबारा ना देख पाओ, या यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो, प्रे फॉर माई सॉल, मेरी सॉल आत्मा के लिए प्रार्थना करना। मोर थिंग्स, बहुत सारी वस्तुएँ आर हैं, ब्रॉड की जाती हैं बाई प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा। बहुत से ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें प्रार्थना के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। देन अपेक्षा, दिस वर्ल्ड, ये संसार, ड्रीम ऑफ, सपना, जैसा कि ये संसार, या इस संसार की अपेक्षा, या इस संसार में जिन वस्तुओं को हम केवल सपनों ही देख सकते हैं, उन वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर सकते। देयरफॉर, इसलिए, लेट दाई वॉइस, तुम्हारी आवाज़ उठती है, लाइक अ फाउंटेन, फव्वारे की तरह, फॉर मी, मेरे लिए। जो तुम अपनी बात कहते हो, या तुम्हारी बात, या तुम्हारी आवाज़ एक फव्वारे की तरह मेरे सामने, नाइट एंड डे, दिन और रात आती है। तो पूरा अर्थ क्या हो जाएगा कि किंग आर्थर अपने सैनिक बेदीवर से कहता है कि अपने आप को तसल्ली दीजिए, सांत्वना दीजिए, मतलब अपने आप को धैर्य रखिए। व्हाट कम्फर्ट इज इन मी, लेकिन मुझे कौन सा धैर्य है, मैंने तो अपना जीवन जी लिया है, और अपने जीवन जीते हुए मैंने जो भी कार्य किया है, उस कार्य के लिए ईश्वर मुझे पवित्र बना देगा। लेकिन तुम, यदि तुम मेरा चेहरा दोबारा ना देख पाओ, या मेरी मृत्यु हो जाए, तो मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि प्रार्थना में शक्ति होती है। प्रार्थना के द्वारा ही बहुत सी वस्तुओं की प्राप्ति की जाती है, जिन्हें केवल हम सपनों में ही देख सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रार्थना करें तो उन वस्तुओं को प्राप्त भी कर सकते हैं। इसलिए तुम्हारी आवाज़ जो है फव्वारे की तरह दिन रात उठनी चाहिए। ये थी सेकंड स्टेंजा। आगे है स्टेंजा लास्ट वाली, फॉर व्हाइट, क्या, आर मेन, आदमी, बेटर, अच्छे हैं, देन अपेक्षा, सीप, भेड़ों से, और गोट्स, बकरियों से। आदमी भेड़ों और बकरियों से अच्छे हैं, दैट जो नोरिस, नोरिस मीन्स बिताते हैं, अ ब्लाइंड लाइफ, अंधा जीवन, विद इन द ब्रेन, मस्तिष्क होने के साथ। तो यहाँ पर किंग आर्थर के कहने का मतलब ये है, वे लोग जिनके अंदर ब्रेन तो है, मस्तिष्क तो है, लेकिन वे ईश्वर की बंदा नहीं करते हैं। या आगे और देखते हैं, इफ यदि, नोइंग, जानकर, गॉड, ईश्वर के बारे में, यानी ईश्वर के बारे में उन्हें ज्ञान भी होता है, दे वे लिफ्ट उठाते हैं, नॉट, नहीं, हैंड्स, हाथ, ऑफ प्रेयर, प्रार्थना के लिए, वे प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाते हैं। तो यहाँ पर किंग आर्थर के कहने का मतलब है, वे लोग जिन्हें ईश्वर का ज्ञान तो है, ईश्वर के बारे में तो जानते हैं, लेकिन वे ईश्वर की प्रेयर करने के लिए अपने हाथ को नहीं उठाते हैं, इस तरह से वे अपना एक अंधा जीवन जीते हैं। तो ऐसे लोग भेड़ों से और बकरियों से अच्छे नहीं हो सकते, बोथ, दोनों के लिए, फॉर देम सेल्फ, सोम के लिए, एंड दोज उनके लिए हु कॉल देम फ्रेंड्स, जो उन्हें अपना मित्र पुकारते हैं। मतलब वे लोग ईश्वर का ज्ञान होते भी, या होते हुए भी प्रार्थना नहीं करते हैं, ना तो अपने लिए प्रार्थना करते हैं वो, ना तो उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो उन्हें अपना मित्र कहते हैं। फॉर सो द होल राउंड, ये पूरी पृथ्वी, इज एवरी वे, हर तरह से, यानी ये जो पूरी पृथ्वी है, ये गोल पृथ्वी जुड़ी हुई है, किसमें, बॉन्ड, बंधन में, बाय गोल्ड चैन, सोने की जंजीर, यानी पूरी पृथ्वी हर प्रकार से एक सोने की जंजीर से जुड़ी हुई है, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, जो कि हमें ईश्वर के चरणों तक ले जाती है, यानी वह जंजीर जो ईश्वर के चरणों तक ले जाती है। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब यहाँ पर विदाई आ जाती है, कहने का मतलब है, अब जो आर्थर है वह किंग बेदीवर से विदा लेकर पासिंग, मतलब उसकी विदा हो जाती है, चला जाता है। तो लास्ट स्टेंजा थी ये, इसका पूरा अर्थ क्या होगा कि फॉर व्हाइट से, यहाँ से ये कि वे लोग जिन्हें ईश्वर का तो ज्ञान है, लेकिन वे
ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए अपने हाथ को नहीं उठाते हैं, ना तो अपने लिए प्रार्थना करते हैं ना उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो उन्हें अपना मित्र कहते हैं। ऐसे लोग एक अंधा जीवन जीते हैं, या मस्तिष्क होने के बावजूद भी एक अंधा जीवन जीते हैं। ऐसे लोग भेड़ों से और बकरियों से अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो पूरी पृथ्वी है ये हर प्रकार से एक सोने की जंजीर से जुड़ी हुई है, जो जंजीर हमें ईश्वर के चरणों तक ले जाती है। इतना कहने के बाद किंग अर्थर सर वेदीवर से कहता है कि यहाँ पर अपनी विदाई हो जाती है, क्योंकि वह उन्हें छोड़कर अब अपनी तीनों रानियों के साथ इवेलिन द्वीप पर चला जाता है। यह है पोएम जिसका नाम है पासिंग ऑफ अर्थर, जिसके लिए कंपोज्ड किया था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।